गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में एक विशाल नगर कीर्तन जुलूस सिख समाज ने निकाला। बड़ी धूमधाम के साथ निकाला जुलूस, सिख समाज के लोग हुए शामिल। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व 13 जनवरी 2019 को 332 के प्रकाश पर्व की खुशी में रविवार 6 जनवरी को गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में एक विशाल नगर कीर्तन जुलूस हाथी बाटा गुरुद्वारा से प्रातः 11 बजे निकाला गया। जुलूस स्टेशन केसरगंज बिग बाजार मथुरा बाजार दरगाह शरीफगंज गुरुद्वारा नसिया नया बाजार चूड़ी बाजार से होते हुए पुनः वापस हाथी बाटा गुरुद्वारा पहुंचा। 5:30 बजे नगर कीर्तन यात्रा के मार्ग से सारे व्यापारियों द्वारा दरगाह शरीफ सूफी संत सोसाइटी द्वारा से वर्षा कर स्वागत किया गया। स्वागत के साथ जलपान की व्यवस्था भी की गई, हौजरी नाश्ते की व्यवस्था की गई। अंत में 6:00 बजे गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी को हाथी बाटा गुरुद्वारा पहुंचाया जाएगा। वाहेगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत अजमेर की सब सारी अजमेर की साध संगत गुरु गोविंद सिंह जी के 352वें नगर कीर्तन की तैयारी करी और अभी नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। नगर कीर्तन में सबसे आगे गतका पार्टी होगी, जो भरतपुर से आई है वो अपना गतके का कर्तव्य दिखाएंगे। नगर कीर्तन गांधी भवन हाटीवाड़ा गुरुद्वारा से निकल के गांधी भवन स्टेशन रोड केसरगंज अमर टैन डिग्गी चौक क्लॉक टावर नला बाजार दरगाह शरीफ गंज गुरुद्वारा नए बाजार होते हुए हाटीवाड़ा पहुँचेगी, जहाँ पर शाम को सारी संगत के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई है। नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब जी के आशीर्वाद से निकाली जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश हुआ हुआ होगा और गुरु ग्रंथ साहिब जी पीछे संगत सारी अपना कीर्तन करते निकलेगी। इसमें हाथी घोड़े ऊँट सबकी सवारियां हैं। सारी साथ संगत से और भी निवेदन है कि जहां जहां रास्ते में आप ये न्यूज़ देखें और नगर कीर्तन को देखें उसका स्वागत कीजिए और सबके साथ चल के सबका सहयोग कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपका नाम? हरमीत सिंह छाबड़ा। आज श्री गुरु सिंह सभा हाथी बाटा गुरुद्वारे से एक महान नगर कीर्तन दशमेश पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व की खुशी के अंदर निकाला जा रहा है। जो गुरु महाराज का पावन प्रकाश पर्व 13 जनवरी को है, उस खुशी के अंदर आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये नगर कीर्तन अजमेर के मुख्य मार्गों से होता हुआ स्टेशन रोड केसरगंज डिग्गी बाजार व प्लाजा सिनेमा क्लॉक टावर नाला बाजार होते दरगाह शरीफ होते हुए गंज गुरुद्वारे जाएगा। वहाँ से शाम तक नया बाजार होते हुए वापस हाथी बाटा की संपन्नता होगी। एवं 13 तारीख को कीर्तन दीवान मेन दीवान मोनिया साहब स्कूल के अंदर सजाए जाएंगे, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे सजाए जाएंगे। और 12 तारीख के दोनों कीर्तन दीवान हाथी बाटा गुरुद्वारे में सजाए जाएंगे। 13 तारीख को रात का विशेष प्रोग्राम गुरु महाराज का प्रकाश पर्व हाथी बाटा गुरुद्वारे में बैंड बाजे आतिशबाजी के साथ मनाया जाएगा। एवं अजमेर की समूह साध संगत से निवेदन है, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर अधिक से अधिक संख्या में उतार कर गुरु ग्रंथ साहिब की खुशियाँ प्राप्त करें, ये आपसे निवेदन है। नरेंद्र सिंह छाबड़ा, सचिव श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हाथी बाटा। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 352वां पावन प्रकाश उत्सव की तैयारी के अंदर हाथी बाटा गुरुद्वारे से विशाल नगर कीर्तन निकालने जा रहे हैं। गुरु सर्वंश दानी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने चारों साहिबजादों में धर्म की रक्षा के लिए शहीद करवा दिए थे, उनकी आज जन्मतिथि है। कि जन्म के उपलक्ष्य में एक विशाल नगर कीर्तन जिसके अंदर गतका पार्टी ऊँट ढोल नगाड़े और भी सारे ऑटो रिक्शा सारे साथ साथ चलेंगे और वह यहाँ से 11 बजे का टाइम था, लेकिन 11:30 बजे स्टार्ट होकर के मदार गेट केसरगंज उधर अपने मदार गेट होते नाला बाजार होते दरगाह बाजार होते हाथी गंज गुरुद्वारे होते वापस यहाँ पहुँचेंगे और उनके साथ गुरु गोविंद सिंह महाराज के सवारी के साथ पहुँचेंगे। प्रताप सिंह हाथी बाटा अजमेर।